देश के लिए 9 से 10 सितंबर का दिन बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी तैयारियां हो रही है। आज उन तैयारियों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। भारत मंडप में 700 शेफ और स्टाफ, 400 डिश, लाइव किचन, क्लासिकल म्यूजिक, डांस, G20 मेहमानों के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। G20 समिट के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर बने भारत मंडप में आने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए करीब 700 शेफ खाना बनाएंगे। विदेशी मेहमानों को करीब 400 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा भी श्री अन्न से बने देसी पकवान और विदेशी डिशेज भी विदेश से आए राष्ट्राध्यक्ष समेत उनके साथ आने वाले प्रतिनिधिमंडल को खिलाया जाएगा। उधर दिल्ली सरकार ने G20 समिट में शामिल होने वाली हस्तियों को परोसे जाने वाले भोजन की जाँच के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को तैनात किया। G20 समिट के लिए दुनिया भर के मेहमानों का देश की राजधानी नई दिल्ली में जमावड़ा होने वाला है। सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं। तो वहीं मेहमानों की मेजबानी के लिए राजधानी के बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स के स्टाफ को लगाया गया है। साथ ही समिट के वेन्यू यानी भारत मंडप में मेहमानों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, टी, कॉफी और डिनर भी 5-स्टार होटल के शेफ ही बनाएंगे। भारत मंडप के भीतर एक लाइव किचन बनाई गई है। इसमें 5-स्टार होटल की तरह ही शेफ मेहमानों की फरमाइश पर डिनर बनाएंगे। फिर चांदी के बर्तनों में डिशेस को विदेशी मेहमानों को सर्व किया जाएगा। इसमें भारत के व्यंजनों से लेकर के तमाम देशों का पारंपरिक खाना भी उपलब्ध रहेगा। नॉनवेज खाने वाले विदेशियों के लिए भी पूरा खास इंतजाम किया गया है। शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी पसंद करने वाले मेहमानों के लिए जापान से ही ऑक्टोपस और सैल्मन मछली मंगाई गई है ताकि खास मेहमानों को उनके खास स्वाद से वंचित न रखा जाए। वहीं भारत मंडप के अलावा 5-स्टार होटल्स के आम डाइनिंग एरिया में भी विशेष पकवानों के विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहाँ ठहरने वाले G20 डेलीगेशंस के लिए विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे जिसमें मीठे के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने पीने के सामान की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने फूड एंड सेफ्टी अधिकारियों को तैनात किया है। 18 अधिकारी नई दिल्ली के उन 19 5-सितारा होटल्स और एरोसिटी इलाके में इस्तेमाल किए जा रहे कच्चे खाद्य पदार्थ के नमूने एकत्रित करेंगे जहां एक विशेष मेहमान रुकेंगे। एक अधिकारी ने बताया है कि होटल्स में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाएगी और नमूने लिए जाएंगे, जो कि G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर हमने 18 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है और बीते सोमवार ही होटलों से एकत्रित किए जा रहे नमूनों पर लैब टेस्टिंग भी की गई है। तो दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट शुरू हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी तैयारियां की गई है। वहीं G20 से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।